हेलो एवरीवन, आज अपन जो डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में, इसमें अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, और इसमें आपका टॉपिक कौन सा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन को और क्या बोल सकते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन जो टर्म है इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? सिनगैमी। कहीं कहीं पे आपका वर्ड देखने को मिल जाएगा सिनगैमी, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है। ओके, तो इसमें अपन इंपॉर्टेंट क्या आज देखने वाले हैं? डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो मेन रोल में आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डन। इम्ब्रो का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रो, उसी में पूरा सारा खेल होने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रो, डन। तो सबसे पहले ड्रॉ करो और सारा डायग्राम के बेसिस पे ही अपन समझ लेंगे पूरा डिटेल। ओके, तो ये रहा आपका इम्ब्रो और सबसे ऊपर में तीन सेल रहेगा, एंटीपोडल सेल उसको अपन बोलेंगे। ओके, ये हो गया का न्यूक्लियस, ये तीनों को क्या बोलेंगे अपन? ये क्या होगा? एंटीपोडल सेल। इसका फंक्शन क्या रहेगा? ये प्रोवाइड क्या करेगा? न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, नेक्स्ट यानी ये वाला क्या हो गया? एंटीपोडल सेल, डन। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? ये आपका सिनर्जिड, डन। दो सिनर्जिड यहाँ पे रहेगा इस तरह से। ओके, और इसी सिनर्जिड के ऊपर क्या रहने वाला है? ये एग सेल रहेगा, डन। में क्या रहेगा? फिलीफॉर्म एपरेटस ये रहेगा। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट आपका हो गया परसिस्टेंट सिनर्जिड। एक बार ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया तो सारा समझ में आएगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डन। तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस आप देखते जाओ। ओके, ये वाला क्या हो गया? फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड के अंदर जो प्रेजेंट रहता है फिलीफॉर्म एपरेटस, डन। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है और इसमें केमिकल सिक्रेशन किसके लिए करेगा? वो पॉलन ट्यूब जो आएगा बाहर से इस तरीके से, इसके लिए वो केमिकल सिक्रेशन करेगा। ये आपका इस तरीके से पॉलन ट्यूब, ये फॉर्म क्या करेगा? ये पॉलन ट्यूब हो गया और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहने वाला है? पॉलन ट्यूब के अंदर दो तो मेल गैमेट रहेगा और एक क्या रहेगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, ये दोनों क्या है? मेल गैमेट, टू मेल गैमेट, डन। और क्या है इसके अंदर मेल गैमेट के बाद?
ये रेड वाला ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, इसका ट्यूब न्यूक्लियस इसको बोल सकते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, और इसके अंदर क्या रहने वाला है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एक सेल, ये क्या फॉर्म होगा, ये हो गया आपका एक सेल और एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, एक न्यूक्लियस। डन, नेक्स्ट ये आपका सेंट्रल सेल हो गया, सेंट्रल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहने वाला है, पोलर न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियस या फिर उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी अपन बोलेंगे। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका सेंट्रल सेल, पूरा डायग्राम में ही समझ जाओगे कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है और उसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों पड़ा। डन, और इसके अंदर क्या रहेगा, सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियस रहेंगे इस तरीके से, ये क्या दोनों हैं पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट ये हो गया टू पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं अपन, पूरा पहला डायग्राम कंप्लीट हो गया। एंटीपोडल सेल क्या प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो जिसको है उसके अंदर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा। ओके, और यहाँ से आ गया पोलन ट्यूब आपका। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन ये क्या है, तो अपन क्या डिनोट करेंगे, ये है डिजेनरेटिंग सिनर्जिड। जनरेटिंग सिनर्जिड यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, ओके, प्लांट के अंदर, तो ये जो सिनर्जिड जो है, ये परसिस्टेंट जो बचा हुआ है एक सिनर्जिड, इसी तरह से इधर भी सिनर्जिड था लेकिन वो डिजनरेट करेगा। डन, और डिजनरेट करेगा और उसके अंदर ये इंटर कर जाएगा। ओके, ये ट्यूब पोलन ट्यूब्स है वो इंटर करेगा और ये अपना जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे रिलीज करेगा। ओके, यानी कि ये जो मेल गैमेट है दो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, तो ये मेल गैमेट कहाँ चल के आ गया, वो इम्ब्रो के अंदर कंप्लीट आ गया, ये आपका टू मेल गैमेट। डन, अब जब ये मेल गैमेट आ गया यहाँ पे इसके अंदर, ये कंप्लीट इम्ब्रो के अंदर घुस गया वो मेल गैमेट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो मूव करेगा कहाँ पे, एक सेल के अंदर, फर्स्ट वाला पार्ट। ओके, और फिर जो सेकेंड जो ये बच गया ये कहाँ जाएगा, पहले तो जब ये जाएगा इसके बाद तो यहाँ पे इसके साथ फ्यूजन हो जाएगा, ये आपका आ गया मेल गैमिट, क्या है मेल गैमिट आ गया आपका, ये आपका पहले क्या है एक न्यूक्लियस। ओके, एक न्यूक्लियस इसको बोलो। ओके, ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एन यानी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर रहेगा और उसके उसमें क्या फ्यूजन हो गया, वन मेल गैमेट। ओके, ये आपका मेल गैमेट आ गया, वन मेल गैमेट। डन, ये भी क्या रहेगा, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर का रहेगा, तो ये जब दोनों फॉर्म करेगा ये मेल गैमेट दोनों क्या मिलके बनाएगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यानी दोनों कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, और जायगोट कैसा होगा, 2n स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, एक न्यूक्लियस एंड मेल गैमिट, एक मेल गैमिट। तो दूसरा मेल गैमिट बचा वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो ये जो जब फर्टिलाइजेशन होने लगेगा तो जो दो पोलर न्यूक्लियस है
ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा, ओके। और कंबाइन होकर के क्या बना लेगा, एक ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा, ओके। ये आपका क्या बना लेगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस, डन। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जब बनेगा और इसका प्लॉयडी लेवल क्या होगा, 2n, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होगा, डन। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये सेकेंड वाला जो मेल गैमिट बच गया यहाँ पे रिजनरेटिंग सिनर्जिट के पास, जो सेकेंड मेल गैमिट था वो यहाँ से मूव करते हुए के पास आएगा और यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा, फ्यूजन होगा उसका। तो ये यहाँ आपका एक एक और यहाँ से स्ट्रक्चर बनेगा और ये आपका हो गया सेकेंड मेल गैमिट, सेकेंड मेल गैमिट। ओके, और ये कौन सा स्ट्रक्चर में रहेगा, प्लॉयडी लेवल एन, यानी हैप्लॉयड रहेगा। अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बनेंगे यहाँ पे, ये जो दोनों यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म किया वो तीन न्यूक्लियस का बन गया, दो तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस इसके पास है, तो यहाँ पे कितना, थ्री न्यूक्लियस का सेटअप बन गया, ओके। तीन न्यूक्लियस का सेटअप बन गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियस, ओके। तो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा तीन न्यूक्लियस का, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, डन। क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, ये टर्म है ट्रिपल फ्यूजन, ओके। तो पहले हम लोग प्रोसेस में क्या देखा, ये जो ये पोलन ट्यूब्स है वो क्या करेगा, दो मेल गैमेट को कैरी करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस को कैरी करेगा, ओके। अब इसके अंदर जो डिजनरेट जो सिनर्जिट जो यहाँ पे है वो सिनर्जिट वहाँ पे डिजनरेशन चालू हो जाएगा और पोलन ट्यूब जो है वो इसके अंदर अपना मेल गैमिट को छोड़ देगा। मेल गैमिट इसके अंदर चला जाएगा इम्ब्रो के अंदर, तो वो क्या करेगा, पहले तो एग सेल के साथ वो अपना जो फ्यूजन है वो कंप्लीट करेगा, एक न्यूक्लियस और वन मेल गैमिट का फ्यूजन से क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ओके। और जो सेकेंड मेल गैमिट जो बच गया दो मेल गैमिट में से, वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है और सेकेंड दो दूसरा मेल गैमिट है वो दोनों कंबाइन करके तीन न्यूक्लियाई का सेटअप बनाएगा, उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो सेंट्रल सेल है वो क्या करेगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से और क्या करेगा, ये मतलब कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इसको बोलेंगे, सेंट्रल सेल को क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, यानी जो इंडोस्पर्म जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो कि जो जायगोट को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, एंडोस्पर्म से ही जायगोट को न्यूट्रिशन मिलने वाला है आगे का डेवलपमेंट के लिए, तो वो कहाँ किससे मिलेगा, सेंट्रल सेल से। और जो ये जो न्यूक्लियस है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये क्या कहलाएगा फर्दर, ये इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, जायगोट को, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ओके। यानी ये जो फ्यूजन होने के बाद तीन न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद ये क्या करेगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा और जायगोट को जो न्यूट्रिशन है वो कहां से मिलेगा, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जायगोट, ओके। ये स्ट्रक्चर यहां से पूरा डिटेल अपन देख लिए, इंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग जायगोट को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, डायग्राम से पूरा डिटेल समझ लिए। अब इसको सिंपल है, पहले जो मेल गैमिट क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा, जो डीजनरेट जो सिनर्जिड है वहाँ पे जाएगा मेल गैमिट, यहाँ से कैरी कौन कर लेगा, एक सेल में फ्यूजन होगा, ओके। और एक सेल जब फ्यूज होगा तो उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, ओके। ये आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, जायगोट का फॉर्मेशन यानी फर्टिलाइजेशन,
अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि टू पोलर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करेगा वो मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके तीन न्यूक्लियस का सेटअप बनाएगा और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा जो कि फ्यूचर में डेवलपिंग जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सिंपल सा था, ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट अपन देख लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, की पॉइंट्स डन। फर्स्ट पॉइंट यहां पे अपन देखेंगे, पहला फर्स्ट जो है इसमें अपन देखेंगे ईग। ईग क्या फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ओके, सेकेंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये किस चीज का फॉर्मेशन करने वाला है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो शॉर्ट में अपन पेन भी बोल सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट ये सेंट्रल सेल क्या प्रोवाइड करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, सेंट्रल सेल प्रोवाइड प्राइमरी इंडोस्पर्म। ओके, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी पीई से। डन, ये आपका हो गया। एक जो है जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड करेगा, पेन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, और सेंट्रल सेल क्या करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके उसको यहाँ पे देख लो। तीन गैमी यानी फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे लिख लो फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन जो डिस्कवर किया वाज डिस्कवर्ड बाय इसके द्वारा डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, ये साइंटिस्ट थे। ओके, इन कौन सा प्लांट था, मोनो ट्रापा। ओके, प्लांट इसको क्या बोलते हैं, इंडियन पाइप प्लांट इसको बोला जाता है, कॉमन नेम इसका है इंडियन पाइप प्लांट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब रिलीज इट्स मेल गैमिट अलोंग विथ ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, इनटू रीजनरेटिंग सिनर्जीड। डन, जो डिजनरेट कर रहा होगा सिनर्जीड उसी के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो अपना मेल गैमिट को रिलीज करेगा। ओके, वन मेल गैमिट फ्यूज विथ एग। ओके, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये फर्टिलाइजेशन। और सिनगैमी,
आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन जो है कौन कहाँ किस कौन करता है, तो वन मेल गैमेट जब एक के साथ जो मिक्स करेगा फ्यूजन करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और जायगोट फॉर्मेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन बोथ पोलर न्यूक्लियाई, ओके, ऑफ सेंट्रल सेल डन आर फ्यूज फ्यूज टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन करेंगे, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, जो अभी हम लोग डायग्राम में देखा। ओके, तो नेक्स्ट ये सिंपल सा पॉइंट था इसके रिगार्डिंग, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस का, 2N डिप्लॉयड यानी स्टैंड फॉर 2N। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड मेल गैमिट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस ओके, जो न्यूक्लियस था सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको पेन भी बोल सकते हैं अपन, जो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करने वाला है। ओके, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, ए टिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्राइमरी इंडोस्पर्म। ओके, न्यूक्लियस डन, हेंस इसीलिए तो क्या बोलते हैं, थ्री न्यूक्लियस, थ्री न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। ओके, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। डन, ये टर्म हो गया ट्रिपल फ्यूजन का, यानी कि सेकेंड जो मेल गैमेट था वो कहाँ किससे फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, और ये फॉर्म क्या करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, और तीन न्यूक्लियस है इसी कारण इसका क्या नाम रखा है, और ट्रिपल फ्यूजन भी इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन टू स्टेप, टेक प्लेस कितने, टू स्टेप। ओके, फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेगा, फर्स्ट इन बिटवीन, बिटवीन लिखो, इसके बीच में होगा, इन बिटवीन वन मेल गैमिट एंड एग। ओके, दूसरा कहां पे होगा, सेकेंड मेल गैमिट
एंड पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियर को क्या बोल सकते हैं अपन, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये प्रोसेस इसीलिए क्या कहलाएगा, हेंस दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, ये डबल फर्टिलाइजेशन नामक इसका जो है उसके पीछे कारण है, एक जो मेल गैमिट है और एक सेल के साथ फर्स्ट जो होगा, ओके, और सेकेंड मेल गैमिट का जो फ्यूजन है वो पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में होगा। ओके, तो ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया फर्टिलाइजेशन को, यानी कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, वाज डिस्कवर्ड बाय, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, एसजी नवाजशीन, ये साइंटिस्ट थे। ओके, एंड ग्विनार्ड, डन, कौन सा प्लांट में, इन लिलियम यानी लिली प्लांट एंड प्रिटिलेरिया। ओके, मैं प्रायोरिटी आपको एसजी नवाजशीन को देना है। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे ये दोनों, तो आपको इनको पहले टिक आउट करना है। डन, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन में ओके, फर्टिलाइजेशन पहले होगा, प्लस ट्रिपल फ्यूजन, डन। डबल फर्टिलाइजेशन में कितना न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा, 5 न्यूक्लियाई। ओके, फर्टिलाइजेशन में कितना, 2 न्यूक्लियाई, और ये नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिपल है तो ट्रिपल न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर बॉडी का, 1 मेल गैमेट का। ओके, डन, नेक्स्ट पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, नोट फाउंड इन एनी प्लांट किंगडम, एनी अदर ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, यानी प्लांट किंगडम के किसी और ग्रुप में ये पाया नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। डन, ये पॉइंट है इसका, यूनिक कैरेक्टर है किसका, एंजियोस्पर्म का, और नॉट फाउंड इन एनी अदर ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, ये टर्म, ये आपका स्टार मार्क हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोगों ने बात किया था वहां पे कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज टेक प्लेस यानी फॉर्मेशन जो जायगोट है वो
इंडोस्पर्म के पहले हो जाएगा, ओके, टेक प्लेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, ओके। ये जायगोट का जो फॉर्मेशन है वो इंडोस्पर्म से पहले होगा, डन। दूसरा पॉइंट क्या है, बट मैच्यूरेशन ऑफ इंडोस्पर्म टेक प्लेस बिफोर द मैच्यूरेशन ऑफ जाइगोट। यह स्टेटमेंट है, ओके। यानी जो मैच्यूरेशन होगा किसका, इंडोस्पर्म का, वो पहले हो जाएगा किससे, जाइगोट से पहले हो जाएगा, ओके। और जाइगोट का फॉर्मेशन किससे पहले होगा, इंडोस्पर्म से। दो ये स्टेटमेंट है। ये क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज इसके पीछे का रीजन, बिकॉज इंडोस्पर्म यानी जो इंडोस्पर्म है हैज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जायगोट। ओके, यानी इंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, जायगोट जो डेवलप कर रहा है जायगोट, इसीलिए वो मैच्योर पहले हो जाता है इंडोस्पर्म, डन, ना कि जायगोट। तो आप यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया क्या, डबल फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी, ओके। और हम लोगों ने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझा उसको, और अभी तक जो पढ़ाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। और वो डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन वाला, और एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको आप देख लेना, इसमें रीडिंग लगाना डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक, डन। और अगर प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, जबकि मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया है कि जो मेल गैमिट है पहले कहाँ पे जाएगा, एक सेल के पास जाएगा एक मेल गैमिट, और दूसरा मेल गैमिट किसके पास जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएगा, और वो प्रोसेस क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन का होगा, क्योंकि दो बार यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक जो जायगोट फॉर्मेशन हुआ, तो वो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, ओके। तो ये हम लोगों ने समझा पूरा डिटेल में, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।